Uh, हर चीज अभी बहुत अच्छी खूबसूरती से लिखी गई है हमारी राइटर बहुत कमाल का उनका कलम की uh, जो मैजिक है वो देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो ब्लास्ट वाला मैजिक भी बहुत जल्दी उनकी कलम से निकलेगा तो हेयर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम सबकी वाइब मैच होती है सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स मुझे तो आपसे सुनने को मिल रहा है कि शो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ रोज काम कर रही हूँ और uh, जो है लगातार लगातार सीन बाय सीन कर रही हूँ कब परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है सब इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं मेरे साथ में उर्वशी जी हैं नमन हैं सानिका है एवरीवन इज़ सो फैबुलस एंड आर डायरेक्टर सर फहीम सर इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब हमारी जो राइटर हैं गजारा जी इतने सुंदर इतने अच्छे डायलॉग होते हैं लिटरली आदित्य के डायलॉग तो मुझे कभी कभी हंसी आती है और और हम जो है मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है तो स्पेशली डायलॉग्स तो मुझे बहुत मज़ा आते हैं सुन के भी बहुत रियल लगते हैं जैसे हम घर में बात करते हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके तो परफॉर्म करके इतना मज़ा आ रहा है कि अभी तीन चार दिन से मैंने नहीं देखा है एपिसोड अभी मैंने आ, लास्ट मैंने एपिसोड मैम वाला देखा था तो मैं मैम को यही बोल रही थी कि मैम आई एम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन देखे जब सौम्या घर में आती है और मैम उसको बोलती हैं कि मैं कॉफ़ी के लिए बोल रही हूँ और कहती हैं कि नहीं कॉफ़ी नहीं आदित्य को बोलती हैं कि क्या कीर्तन करने के लिए लेकर आए हो इनको भजन वजन गाती हैं क्या तो जिस सटलिटी से मैम ने उसको प्ले किया यू नो कि आई टू आई वो मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट जैसा तो अभी नहीं होगा बिकॉज़ uh, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही है और ब्लास्ट जैसा अभी कुछ uh, माहौल भी नहीं है बिकॉज uh, कोई भी नया शो जब शुरू होता है जैसे दीपिका ने कहा कि Uh, हर चीज अभी बहुत अच्छी खूबसूरती से लिखी गई है हमारी राइटर बहुत कमाल का उनका कलम की जो मैजिक है वो देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो ब्लास्ट वाला मैजिक भी बहुत जल्दी उनकी कलम से निकलेगा पर फ़िलहाल हमारा जो आप एक अच्छा सेटअप हो रहा है नए मतलब हमारा नया घर दिखाया जाए कि भाई गृह प्रवेश हो रहा है अभी सब कैरेक्टर सेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली होगा क्योंकि अभी तो आपकी नज़र के सामने एक बहुत अच्छी बहू आ रही है कि भाई मंगल जैसी सुलझी हुई पूरा घर संभालने वाली सबको रिस्पेक्ट करने वाली बहू है एक अच्छा फैमिली है जहाँ पे एक बेटा है दो बच्चे हैं उनके तो ये एक अच्छी फैमिली दिख रही है और अभी सब चीज़ें चल रही है तो आगे जाके आपको देखना पड़ेगा उस ब्लास्ट के लिए कि एग्जैक्टली वो कब होने वाला है फिल्म में आपको ब्लास्ट दिखता ही है सच बताओ दिखता ही है ना हाँ पर अभी जो तो जब एपिसोड लॉन्च हुआ था उसके दूसरे दिन ही वो जो लक्ष्य का आ गया था यू तो नो कि वो बंदा जिसमें मैं दुपट्टा रोक दी थी तो कि इससे नहीं होगी शादी लक्ष्य का पति वही होगा जो तो वो एक ब्लास्ट हाँ, मतलब वैसे तो तो वाले, तो वाले ड्रामा होते रहते हैं आदित्य आके मेरा भांडा मेरे ऊपर तो ड्रामा तो होते ही रहते हैं Uh, मैं सीन कर रही मैं इतनी ड्रेन डाउट जो हो जाती है लिटरली uh, कितनी बार वो आते ही रहते हैं दो या तीन दिन में और अभी शिवरात्रि वाले जो चल रहा है एपिसोड उसमें इतना ब्लास्ट है दोनों ब्लास्ट हो गए सौम्य और नहीं नहीं वो उनका एक्सीडेंट हुआ बट uh, मुझे सबसे अच्छा तो जैसे तो बोला कि दीपिका ने कि कॉफी वाला बम फूटता ही रहता है उस दिन आए थे गेस्ट को घर में और घर में दूध नहीं था

जब घर पे आती है तो हमारे लिए वो थोड़ा शॉकिंग था वो एक ब्लास्ट था, क्लाइमेक्स था देखी कि क्लाइमैक्स था कि आपको <laughs> तो नहीं नहीं उनको तो वो बहुत बड़ा धमाका चाहिए और धमाके ये धमाके धमाके के लिए ये आपको करना पड़ेगा आ, सुरसुरी बॉम है धमाके के लिए देखते रहना के पड़ेगा के मंगल लक्ष्मी देखिए हर दिन की एक एक अलग एनर्जी होती है है हर सीन एक नया सीन नया होता है। अपने आप में कैरेक्टर आपने एक बार पकड़ लिया होता है पर आप उसमें भी करने मुझे लगता है कि हर एक चीज को करने के सौ तरीके होते हैं टोन भी जैसे अपने साथ स्वर होते हैं वैसे ही सात वॉल्यूम में कई वॉल्यूम्स में बल्कि वो मन सब तक नीचे का ऊपर का तो वो ताले भी अलग अलग होते हैं तो हर एक एक्टर अक, के पास में वो सब चीज़ होती है मगर तो पूरी टीम की एक अ, 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 मेहनत लगी होती है कि कौन सा स्वर जो है अ, वो सही है और अ, इसमें मैं क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहती हूँ अपनी क्रेडिट्स को देना चाहती हूँ अपने एडिटर्स को देना चाहती हूँ अपने डायरेक्टर को देना चाहती हूँ अपने को एक्टर्स को देना चाहती हूँ क्योंकि वो गेम एक्शन रिएक्शन की भी है तो अ, मेरा हर एक सीन जो है इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एवरीडे वाइब मैं भी कभी प्लान नहीं कर सकती कि इस सीन को मैं इस तरह का लेकर जाऊंगी इट्स ऑल अ टीम एफर्ट एंड आई फॉर मी एज अ पर्सन आई एम वेरी ओपन हार्टेड एंड आई एक्सेप्ट एवरीबडीज एनर्जी एंड आई मैं अपने आप को सौंप देती हूँ अपने डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट को अपने एक्टर्स को कि ये मैं हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगी बाकी मैं सबको देख के ही मैं सीन कर सकती हूँ तो हेयर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम सबकी वाइब मैच होती है और आ, हम आ, अगर मुझे लगता है मास्टर हो गया उसके बाद आ, मुझे लगता है कि हम ये इसमें ऐसा कर सकते हैं तो हम लोगों का वो रैपो है एक दूसरे से कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पे मैं पॉज लूँगी यहाँ पे मैं नॉट करूँगी अच्छा मैं जी जी माँ बोलूँगी जी अम्मा बोलूँगी तो वो एक रैपो है हम सबका एक दूसरे से तो इसलिए वो ना एक जो केमिस्ट्री हम सबकी बहुत ही पहले एपिसोड से ही ना बहुत ही नेचुरल निकल रही है वो आपको बिठाना नहीं पड़ रहा है कि हाँ ये मंगल इसकी सास ये है ये बहू है ये उसका हस्बैंड है बिना रोमांटिक सीन्स के भी हमारी केमिस्ट्री निकल के आ रही है बिकॉज वी ऑल आर वेरी प्रो इन आर जॉब ऑल द एक्टर्स आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी टैलेंटेड नमन मैम एवरी वन आर डेटर ऑल्सो एवरी वन इज़ वेरी गुड एट द जॉब मी एज अ पर्सन इज़ लाइक आई एम मैचिंग एवरी बडी इज एनर्जी एंड डूइंग माई बेस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है आ, हमेशा मेरी हर हाँ परफॉर्मेंस को आपने पसंद किया है इस बार भी ट्रस्ट ऑन मी और ये कैरेक्टर सच में आपके दिल को छू जाएगा प्लीज़ आप मंगल लक्ष्मी रात को 9 बजे कलर्स टीवी पर ज़रूर देखें हमारे सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि इतने सालों तक आपने इतनी खूबसूरत कहानियाँ देखी और ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है हाँ उर्वशी उपाध्याय को आपने बहुत सारी नफरत दी बींग नेगेटिव कैरेक्टर मैंने अब तक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं बहुत सारी आपकी नफरत को मैंने दिल खोल के एक्सेप्ट किया है बिकॉज़ वो उस टाइम पे वो एक्सेप्टेबल था अगर नेगेटिव को आप नफरत नहीं करोगे तो पॉजिटिव को प्यार कैसे करोगे तो बस अब टाइम है कि आपका ढेर सारा मुझे प्यार मिले हमारे शो को ढेर सारा प्यार मिले बिकॉज मंगल लक्ष्मी सच में ही बहुत डिफरेंट शो है आप आफ्टर कोविड एंड आफ्टर लाइक सो मैनी लाइक ओ टी टी में अभी इतनी सारी चीज़ें तरह तरह की देखनी है आ, इतनी सारी चीज़ें लोगों को भी देखने का पता है गाँव गाँव में या इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो मैं मेरी सारी ऑडियंस को बोलूँगी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखे मंगल लक्ष्मी बहुत डिफरेंट शो है पूरी टीम वर्क और एक फैमिली आपको दिखेगी एक नया कॉन्सेप्ट दिखेगा और एक कमाल काफ़ी है Like, uh, आप अगर कोई वेब शो देख रहे हैं और, आगर 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 और आगर हर चीज़ ना आपको चिल्ला के नहीं कहनी पड़ती कभी समटाइम्स कैसा होता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जैसे मेरे सारे सीन्स ऐसे हैं कि यहाँ पे एक औरत औरत का रिस्पेक्ट करती है सेम वे में एक सोमिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक औरत ही है जो दूसरे घर में मतलब दूसरी औरत का घर तोड़ने के लिए आती है तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए है ना जैसे राम जी हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और कृष्ण जी सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं तो आई थिंक यहाँ पे कृष्ण और राम दोनों की ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए गए हैं जहाँ जरूरत पड़ेगी हम मर्यादा में कैसे रखते हैं वो भी दिखाएंगे और कैसे मर्यादा में रहना चाहिए वो भी करके दिखाएँगे तो ये कमाल का शो है और आई थिंक आप सबको देखना चाहिए आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका प्यार हमें पहले ही वीक में मिल गया है जिसके लिए मैं फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारी पूरी टीम की ओर से कि सच में आपने हमारे शो को बहुत पसंद किया इतने सारे मैसेजेस इतने सारे डी मिले हैं जहाँ पर बहुत सारी तारीफ़ें मिली है लोगों ने पसंद किया है हर एक किरदार को एक्सेप्ट किया है और जो हमारा सटल लुक है या हमारी जो जिस तरह से हमने पूरा आपके सामने प्रेजेंट किया है कि उर्वशी को कुसुम या दीपिका को मंगल या नमन को अदित या बाकी सारे किरदार जैसे मेरी सिस्टर भी है गायत्री यहाँ पे रिच भी फैमिली है मिडिल क्लास भी फैमिली है तो हर तरह के आपको रस देखने को मिलेंगे और आपने स्वीकारा है उसके लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच मंगल लक्ष्मी और आप सबका ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक यू